इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के जीडीपी को 0% घोषित किया गया है। जो बार्सले है हमारा, जो यूके का एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इंडिया के जीडीपी को 0% घोषित किया है इस ईयर 2020 में। तो 2020 में जो इंडिया के जीडीपी है, इस पर लगातार प्रेडिक्शन हो रहा है। जैसे हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो देख सकते हैं जीडीपी, व्हाट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हम समझते हैं कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अर्थात जीडीपी, वो हमारा किसी भी मतलब ईयर में, मतलब एक साल में, तो द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द ज्योग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। जो हमारा कंट्री का बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी सामान और जो भी सेवाएं, उसका जो फाइनल मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है एक साल में, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो चाहे वो सेवा हो, किसी भी तरह का सेवा हो, और जो सामान है उसका जो फाइनल मूल्य होता है, चाहे वो किसी के भी द्वारा हमारे देश में उत्पादन किया गया हो, चाहे वो हमारे देश के व्यक्ति द्वारा या फॉरेनर के द्वारा, उसका नेट वैल्यू होता है वो सामान और सेवा का, एक साल के अंदर जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो ये जीडीपी जो है हमारा बार्सले के द्वारा घोषित किया गया है कि 2020 में ये 0% हो सकता है इंडिया का जीडीपी, जो कि पहले हमारा 2.5% 3.5% की संभावना थी, लेकिन ये कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है, वो जीडीपी को 0% पे ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि आगे जीडीपी निगेटिव में भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो हमारा एक्सटेंशन है, अगर होता है लॉकडाउन का आगे भी, तो ये जीडीपी हमारा नेगेटिव में भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल का कंडीशन जानते हैं। देखिए, करा एक्सटेंडेड लॉकडाउन टू काउज इतना बिलियन, देख सकते हैं 234.4 बिलियन इकोनॉमिक लॉस, सेज बार्सले। तो बार्सले जो है बोला है कि इतना बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ जो हमारा लॉकडाउन बढ़ाया गया उसके कारण। तो देख सकते हैं लॉकडाउन स्टिल 3 मार्च, इनफ्लेक्ट द इकोनॉमिक लॉस US $234.4 बिलियन, देख सकते हैं जीडीपी ऑफ कैलेंडर ईयर 2020। ये ब्रिटिश ब्रोकरेज हाउस है ऑन ट्यूसडे, मतलब आज के दिन बोला, तो ग्रोथ विल बी जीरो, देख सकते हैं ग्रोथ विल बी जीरो फॉर कैलेंडर ईयर 2020। तो देख सकते हैं कि कैलेंडर ईयर 2020 के लिए जो जीडीपी का ग्रोथ होगा हमारा कितना होगा, 0%। करवें सीन फ्रॉम ए फिजिकल ईयर प्रोस्पेक्टिव, अगर एक हम फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा उसके अनुसार देखें, तो करा विल राइज इतना परसेंट इन, विल राइज 0.8% इन 2021 में 0.8% राइज कर सकता है। आज जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो वहीं जो हमारा यूएस का इकोनॉमी है, यूरोप की इकोनॉमी है, उसे निगेटिव दिखाया गया है। जो हमारा इकोनॉमी होगा, ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर ना बोले सिर्फ ईयर बोले 2020 में, तो वो अमेरिका का नेगेटिव है, मतलब रेड में है, और यूरोप का भी रेड में है। जो हमारा जीडीपी है 2020 का, तो 2020 में जो इंडिया के जीडीपी दिखाया गया है कि जीरो रहने की संभावना है, वहीं अमेरिका और यूरोप की जीडीपी वो रेड में दिखाया गया है, मतलब वो हमारा जो है माइनस में चला जाएगा जीडीपी। तो ये है लॉकडाउन और कोरोना वायरस का इफेक्ट। अब हम जानते हैं किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस लॉकडाउन का। तो जो हमारा प्रॉपर्टी डीलिंग क्षेत्र है, रियलिटी क्षेत्र है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है, उस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टी है, इसके भाव आपको बहुत ही नीचे मिलेंगे, जो प्राइस है प्रॉपर्टी के बहुत ही आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। साथ ही साथ जब प्रॉपर्टी नहीं होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी का काम काज नहीं होगा, जब बिल्डिंग नहीं बनेंगे, तो रियलिटी सेक्टर के साथ साथ सीमेंट सेक्टर भी बहुत ही इफेक्टेड होगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं, इन पार्टिकुलर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एसेंटियल सेक्टर्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग क्षेत्र प्रभावित होगा, एग्रीकल्चर भी प्रभावित होगा, मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से प्रभावित होगा, और जो यूटिलिटी सेक्टर्स है अपीयर हायर देन एक्सपेक्टेड। मतलब ये सारे सेक्टर भी जितना हम सोचे नहीं थे कि उसका इफेक्ट पड़ेगा इस पे, ये सारे क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होंगे। जो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, अभी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं हर जगह बंद है, तो इस तरह से सारे क्षेत्र हमारे प्रभावित तो होंगे इससे। तो ये था हमारा जीडीपी, मतलब देश की जीडीपी ही हमारी अगर जीरो हो जाती है और उससे अधिक अगर निगेटिव में चली जाती है, तो हमारा जो एक फाइनेंशियल
क्राइसिस है वो हमें देखने मिलेगा, जो हमारी आगे है मंदी आ सकती है इससे, तो मंदी का सामना बहुत ही कठिन है। आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो आपको क्रेश होते हुए देखने मिलेंगे, बहुत ही वो टूट जाएंगे, बहुत ही उसमें तेज़ गिरावट आपको देखने मिलेगी अगर मंदी आती है तो आपको रियल एस्टेट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, सीमेंट में जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है हमारा और श्री सीमेंट है, इस तरह के जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है ये इसमें आपको भारी गिरावट देखने मिल सकती है। और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो तो पहले से ही हमारे यहाँ पिटा हुआ है स्टॉक्स, उस स्टॉक्स में और आपको ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।